गोरखपुर महोत्सव में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधित बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी तथा गोरखपुर महोत्सव के लिए गठित समितियों के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में 12 और 13 जनवरी को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कलाकारों के चयन के संबंध में चर्चा की गई तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए संबंधित लोगों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि कलाकारों का चयन जल्द से जल्द उनके नामों की घोषणा कर दी जाए तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य और अधिकारी अभी से तैयारियों में जुट जाएं और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दें, जिससे जनता को भी कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने या बैठने में कोई दिक्कत न होने पाए। 22 तारीख है, रिजल्ट तो 9 दिन बचा है, तो उधर 10 दिन बचा है, ज़्यादा समय तो है नहीं, तो कुछ मुश्किल से 15 दिन मांग के जाए। 15 दिन के अंदर हमें कलाकार को फाइनल करा के एग्रीमेंट करा के जो मनते नहीं हम करेंगे करते रहेंगे तो फिर समय नहीं है। नहीं सर, कुछ बड़े कलाकार जैसे संदिग्ध नाटिका गणेश वंदना करना, तो जो ऑफर आया था सर उनको मैंने बात की, उन्होंने कला मांगे थे 50,000 को ऑफर किया सर, दे जाएगी सर, वो अपनी तैयारी कर रही है सर, अपनी तैयारी कर रही है, फॉर्मेलिटीज पत्रों को भेजना सर, फॉर्मेलिटीज उनकी जो सरकार की नीतियों उन्होंने सर 45 मिनट्स मांगे थे, लेकिन सर अगर 30 मिनट्स का टाइम दिया सर तो 15 मिनट पढ़ा देंगे सर, अपने आप पढ़ जाएगा ठीक है। सर चौथा हमारा है सर 13 तारीख को सर मुख्य मंच पर भजन संध्या भोजपुरी नाइट कवि सम्मेलन के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति है, राष्ट्रीय स्तरीय स्थानीय आसपास कलाकारों का चयन और मानदेय होनी चाहिए सर। मानदेय तो बाद में करेंगे सर, किसको से फायर किया था सर, जो लखनऊ में रहते हैं वो शायद उपलब्ध नहीं है, बेंगलोर में सर इसको संख्या से भी बात किया तो वो भी भजन संध्या नहीं उनको है, किशोर चतुर्वेदी और स्वाति दो लोग हैं, नया नाम ही और बड़ा नाम है सर, पिछले साल हम लोग किसी को मना किए वरीयता में रखना है और इसलिए तो वरीयता उनको दें, पिछले बार है तो उन लोग पिछले बार तो कर चुके हैं, उसको उन लोग सेकंड नंबर में रखे ताकि मेन इसको जो सीएम साहब इस कार्यक्रम इसलिए आयोजित कराने चाहते हैं, पूरे साल जो स्थानीय कलाकार का मंच ही नहीं मिला है, कम से कम इस बार उपलब्ध करा लें ऐसे नहीं तो फिर क्वालिटी को भी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ऐसे नहीं समझ के वो दोनों बिंदु हमारा है सच में उद्घोषक और उद्घोषिका सर, यहाँ पे कई 5-6 उद्घोषक हैं सर हमारे और हमारे विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं सर, तो उन 5 उद्घोषक मुमताज खान जी, रीना श्रीवास्तव जी, तो हमारा सर सेमिनार है सर, उसमें भी गौर करेंगे सर अपने मंच पर भी, और मुख्य कार्यक्रम जो हमारा उद्घाटन समापन का है तो उनको सर हम बाहर से उद्घोषिका से हम लोगों ने वार्ता की जो विगत वर्ष में किया था सर, गरिमा स्थिति से उन्हें आमंत्रित करेंगे सर, तो हमारे उद्घोषक भी 5-6 गोरखपुर के जो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे सर, उन्हें भी मानदेय मिल जाएगा सर, उन्हें भी मंच मिल जाएगा सर, और जो हमें उद्घाटन और समापन की जो 4 घंटे की प्रक्रिया करनी है सर वो हमारे सर जो बड़े उद्घाटक हैं बाहर से आने वाले सर उनको सर आमंत्रित करेंगे सर। प्रोफेशनल ठीक है।